नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। स्टिंग ऑपरेशन में कुछ दिन पूर्व में नगर निगम का सच हुआ था उजागर। स्टिंग ऑपरेशन में पत्रकारों ने दिखाया था कैसे नगर निगम दोगुना दामों में बेच रहा है शव जलाने वाली लकड़ियां। कोरोना की दूसरी लहर में आई सरकारी लकड़ियों को कैसे बेच रहा है नगर निगम। स्टिंग वीडियो में कैद हुआ नगर निगम का काला कारोबार। खबर चलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने पत्रकारों को लीगल नोटिस भेजने की दी थी धमकी। खबर चलने के बाद बैकुंठ धाम से साफ हो गई शव जलाने वाली लकड़ियां। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच बैकुंठ धाम से साफ कर दी लकड़ियां। पत्रकारों ने किया स्टिंग ऑपरेशन तो सच आया सामने। स्टिंग ऑपरेशन के बाद नगर निगम ने बैकुंठ धाम में रातों रात लकड़ियों को किया गायब। हर दिन हजारों रुपए की लकड़ियां बेच रहा था नगर निगम। सच छुपाने के लिए नगर निगम ने पत्रकारों पर लीगल नोटिस का दबाव बनाया। नगर निगम दे जवाब, अगर खबर है गलत तो नगर निगम जारी करे शासनादेश। शव जलाने वाली लकड़ियों का अलाव में होना है इस्तेमाल तो नगर निगम सार्वजनिक करे शासनादेश। नगर निगम जारी करे वो शासनादेश जिसमें सरकारी लकड़ी दोगुना दामों में बेचने का आदेश है। जिला प्रशासन व सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए कर रहा है हर संभव प्रयास। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।